मानने वाले मानते हैं, नाकामी को भी मान जाते हैं। कहते हैं ये हादसा अल्लाह की तरफ से आया तो फिर अल्लाह की तरफ से आया, और अल्लाह ताला फिर उसको मान लेता बात। ये नहीं कहता कि ये तुम्हारी वजह से हुआ तो गलती कोई अल्लाह का इंसान है, झगड़ा करने वाले तुम लोग हो। अगर तुमने कहा कि ये मेरे अल्लाह की तरफ से हादसा हुआ तो अल्लाह कहता ठीक है, वो उसको अल्लाह ही की तरफ से मानते हैं। मैं जानता हूं कि अल्लाह की तरफ से है। क्या कहते हैं? मैं जानता हूं कि अल्लाह की तरफ से है, बस वो अल्लाह ही की तरफ से है। हालांकि उसकी वजूहत भी मौजूद होंगी, लेकिन तुमने कहा अल्लाह की तरफ से है, बस वो अल्लाह ही की तरफ से। आपने सोचा अल्लाह की तरफ से है, बस वो अल्लाह ही की तरफ से। तुम कहते हो कि अभी अल्लाह को मंजूर नहीं है मेरा तहज्जुद पढ़ना, बस अल्लाह को मंजूर ही नहीं है। ये मतलब नहीं, क्या मेरी ये कोताही है? फिर ये सुन दो फजूल है। तुम अल्लाह की तरफ जा रहे हो तो हर काम अल्लाह की तरफ से है, दुनिया की तरफ जा रहे हो तो हर काम तुम्हारा ही है। तो तुम हो कौन? सोचना क्या है, आप कौन लोग? अगर आप दुनिया में दुनियादारी अंदाज से रह रहे हो तो आपका इबादत भी दुनिया है। दुनिया में दीन मांग के शामिल कर रहे हो तो दुनिया बेहतर हो जाए, और अगर आप दीन वाले आदमी हो तो आपका दुनियादार होना भी बदल, बशर्ते कि तुम किस मंजिल के मुसाफिर हो। यह फैसला आज का ही लो, क्योंकि दुनिया के अगर तलबगार इंसान जो है उसका फिर दीन जो है वो भी दुनिया ही के लिए। या अल्लाह इतनी नमाजें पढ़ी हैं तो एक छोटे सा काम आपको कहा है, फिर कितनी नमाजें पढ़ते यार, एक कार शार बोटर छोटे तो गैरों में तो औरों को मिले हूर कसूर, और बेचारे मुसलमान को पकड़वाते हूर, ये नहीं, ये चलता नहीं। अब इसलिए आप लोग अल्लाह ताला के साथ एडजस्ट करो। क्या? अगर उसको अमल करने देना है तो उसे करने दो, खुद करना है तो उसे कुछ ना कुछ करते जाओ। ये नहीं है कि फिर अमल खुद भी करो और उसे भी कहो और खुद भी करो, तेरी मर्जी चाहते हैं और अपनी मर्जी करते हैं, ये बात कर रहा है। या अल्लाह हम तेरी मर्जी चाहते हैं और अपनी मर्जी करते रहते हैं, या अल्लाह हमें तू नेकी की तौफीक अता फरमा और हमें मंदी की तौफीक आई पड़ी है, ये क्या बात है। या अल्लाह तुम्हारा नेक मुकद्दर कर, हम बुरे मुकद्दर के रास्ते पर जा रहे हैं, नेक अंजाम हो और इस अमल का जो देख रही है, ये क्या बात है। थोड़ा सा इंसाफ अपनी ज्यादा कर लो। अगर तुम ये समझते हो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें सब कुछ दिया है तो उसे लेने का हक है, रफड़ क्यों पाते? अगर अल्लाह ने ले गया तो वही दे गया, अगर खुद मानते हो तो इबादत कर लो। किस किस चीज की बात करोगे? एक तो लगा जाता किस किस चीज का तुम ना शुक्री करोगे, क्या क्या चीजें नेमते बयान करोगे, और फिर किस किस चीज के साथ तुम उसके झगड़ा करोगे, क्या क्या बचाओगे? उसे ले तो जरूर जाना, अगर छोड़ दो तो फिर छीन नहीं जाएगा, छोड़ोगे नहीं तो छीन तो जाना ही है। आप सोच लो क्या करना है। तो आपने आपको उस रास्ते का मुसाफिर बनाना है तो फिर वो रास्ता सारा ही वो खुद तय करेगा। तो मतलब हज करने वाले का हज इरादे से शुरू हो जाता है। कब शुरू हो जाता है? इरादे से हज शुरू हो गए। तो अगर वो उसने कहा रास्ते में ऐसा वक्त आ गया कि मुश्किल जरूरत थी किसी और को, मैंने कहा चलो इस बेचारे का काम कर दिया जाए हज अगले साल सही, उसका हज मंजूर है। क्या उसका हज मंजूर है? अब हज चूंकि अल्लाह के लिए है तो लिहाजा वो वाक़ा जो अल्लाह ने कहा कि तुम पैसे मेरे घर में पास आना पहले इसका काम कर दो, वो हज उसका मंजूर। तो आप ये देखना है कि आपका नीयत का रुख क्या है, आपका नजर किधर को जा रही है। अपने प्रोग्राम को अगर करना है तो अपने प्रोग्राम को करते जाओ, इसलाह करते जाओ, करेक्शन करते जाओ, फिर देखते जाओ। वो 100 बार उड़ो 100 बार गिरो अगर ठीक हो जाएगा, यही इंजाम उसका। अगर अल्लाह की तरफ जा रहे हो तो अल्लाह को छोड़ दो, जो वो कर रहा है उसे करने दो, फिर तुम देखते जाओ तुम्हारे साथ क्या होता है। क्या कहा? फिर देखते जाओ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। ये वो लोग जो अल्लाह के मुसाफिर हैं वो क्या करते हैं, देखते जाओ। हम मेहमान है अल्लाह के, आए तो दिया ही कुछ नहीं खाने को, मालक है खजानों का मालक है, ना दे। तुम अगर वो मेहमान हो
कि कम मिले तो गिला करने वाले हो, तुम मेहमान अल्लाह के लिए, तुम कमाओ और खाओ। अगर अल्लाह के मेहमान हो तो जो वो खिलाता है वो खाओ, जो वो दिखाता है वो देखो, जो वो करता जा रहा है उसको करने दो। तुम्हारी जिंदगी भी उसकी जिंदगी, अगर ये उसकी जिंदगी है तो जैसे वो चाहे गुजारने दो। ये काम लोगों की सब बात, अगर आप ऐसा सोचो तो फिर ये जिंदगी, क्योंकि इसने एक अर्सा के बाद खत्म हो जाए और वो अर्सा खत्म हो गया, करीब आ गया, तो जब इसने हो ही जाना है तो मेरा ख्याल है कि अपनी जिंदगी बना बना के इसको खराब कर दिया, इसको उसी की जिंदगी रहने दो। आपने क्या किया अपनी जिंदगी के साथ, तुमने जो कुछ किया जख्मी कर लिया, परेशान कर लिया। अब बेहतर यह है कि इसको उसी के हवाले से चलने दो। अगर उसके हवाले से चलने दोगे तो इसके अंदर ना परेशानी होगी ना फिक्र होगा, वो बुला लेगा चले जाओगे, वो बिठा देगा बैठे रहोगे, जो वो कर रहा है करते दो। अच्छा हो नहीं सकता कि तुम सफर ना करो, सफर तो कायनात के अंदर है, मौजूद है, चल तो रहा है। आप ठहर जाओगे तो इर्द गिर्द हरकत हो जाएगी, सारी दुनिया चल पड़ेगी। तो वो जो उसे दिखाना है वो दिखा के रहेगा, उसने आंखें बनाई है तो नजारे जरूर दिखाएगा, बनाई है उसने, और दिमाग बनाया तो सोच जरूर आएगी, और दिल बनाया तो इसमें जरूर मतलब हरकतें होगी। उसने बनाया ऐसा है आपको तो वो होगा। तुम बेताबी के अंदर जल्दी के अंदर आके गड़बड़ कर जाते, बना बना खेल बिगड़ जाते। इसलिए आज से तुम ऐसा सोचो, अगर उसको मंजूर है तो होकर रहेगा, और जो उसको मंजूर नहीं है वो कभी नहीं होगा, चाहे तुम्हारी ख्वाहिश ही हो। इसके दरमियान एक वाक्य बस कर लो, जो उसको मंजूर है वो होकर रहेगा, जो उसको मंजूर नहीं है तुम्हारी कोशिश के बावजूद नहीं होगा। अब आप सोच लो कि आपको क्या काम है, उसी पे छोड़ना है। बड़ी मेहरबानी अपने आप पे, अपने आप पे एहसान। अगर उस पर छोड़ते हो तो अब बताओ गिले का मकाम आया, गम का मकाम आया। गम का मतलब तुम्हारे और उसके फैसले में फर्क। गम क्या होता है, उसका फैसला और तुम्हारे फैसले में फर्क। उसका फैसला तुम गरीब रहो, तुम्हारा फैसला अमीर हो जाओ, गम आ जाएगा। अगर उसका फैसला गरीब है तुम भी गरीब हो जाओ, उसका फैसला अमीर है तुम अमीर हो जाओ, ऐसा जहमत बर्दाश्त कर लो। उसका फैसला है हज, तुम हज करके आ जाओ। उसका फैसला नहीं है हज तो फिर ना करो, दिक्कत भी होगी, काम भी होगी, कंप्लेंट भी होगी, शिकायत भी होगी और झगड़ा भी होगा। जहां बिठाए बैठो, जहां चला दे चल पड़ो, अगली मंजिल पे जाओ, अगली मंजिल पे चल जाओ। इस मंजिल पे ठहरे रहो तो ठहरे रहो। अब ये है बहुत आसान काम उन लोगों के लिए जो इस इरादे के लोग हैं, तस्लीम और रजा वाले। जो तस्लीम और रजा नहीं रखते वो फिर अपना इरादा आप करें, दुआ किए करें भाई अल्लाह ताला हमें कुछ कामयाबी दे दे, थोड़ी सी नाकामिया हो जाए, कुछ गम आ जाए, कुछ खुशी आ जाए, कभी रोते रहो कभी हंसते रहो। ओ वो लोग हैं जो दुनियादार अपने अमल को अपना अमल समझते। अब ये तुम्हारा सोच जरूरी है, आज से तुम सोचो कि अपना अमल है या अपना अमल उसका अमल, सोच लो इसको। फिर सवाल क्या बना कि वो अभी आपको तहज्जुद के लिए नहीं उठाता, चलो जब चाहे उठा दे, ये एक मकाम है। खुद उठते जाते हो तो तुम्हारा मकाम है। तो अल्लाह के राह पे चलने वाला, अल्लाह के इरादे से चलने वाला नाकाम नहीं होता, क्योंकि वो कामयाब भी नहीं होता, वो उसको होता है। नाकामी कामयाबी का सवाल नहीं, वहां वहां तो करीब और दूर की बात है। जो उसका हो गया वो करीब हो गया, नाकामी क्या थी, कामयाबी क्या, अमीर हो जाए गरीब हो जाए लेकिन वो करीब हो गया। और जो दुनियादार हो गया उसी का अल्लाह में तुम अपने ठहरो, हम आपकी दुनिया में जा रहे हैं फार्मूले के मुताबिक, गुजारो आपने वक्त। अब ये तुम सोच लो, इसी के अंदर दास्तान है, कहीं बाद में परेशान ना हो जाना, वरना ये हो जाएगा कभी आप अल्लाह करोगे, कभी आप अपना अपना करोगे, कभी छोड़ जाओगे। अल्लाह मालिक है, बिल्कुल मालिक है, ऊँट ही मर गया हमारा, चंगा अल्लाह मालिक है, ये बात ये नहीं चलेगी। और उसका था वो ले गया, उसके हो उसी के हो जाओ, अपने हो तो जरा अल्लाह में से थोड़ा अल्लाह जाओगे चलते जाओ आराम आराम से, फिर मोहब्बत करोगे तो फिर ऐसे ही हो। और सारी दास्तान ऐसी, वो बड़ी मंजिलें देता है और तकरीबन बड़ी मुश्किलें देखने वाले को नजर आती हैं, होने वाले के साथ आसानी होती है।
क्या कहा, जिसके साथ हो रहा है उसे सांझ लगती है, जो गुजर रहा है वो शांति से गुजर रहा है, जो देख रहा है वो मुश्किल में, कि अल्लाह मैंने बड़ी तकलीफ चाहिए, बड़ी तकलीफ से गुजर रहे हैं ये अल्लाह वाले हैं, कितनी तकलीफ से गुजर रहे हैं, और जो गुजरे हैं वो बड़े आराम से गुजर रहे हैं। अल्लाह काम किया है कि जो उसके इरादे से, उसकी मर्जी से, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक चल रहा है वो खूबसूरत चल रहा है, क्योंकि वो साथ है। जब साथ हो जाए तो शिद्दत काम काम होगी, गम ही हो जाए। देखने वाला समझता है कि ये बेचारा बड़ी तकलीफ में जा रहा है, वो शहीद हो गए आप लोग, ओहो बड़े अफसोस है, अफसोस कैसे है, मुबारक का मकाम है। अब ये है बात कि जो जानते हैं वो जानते हैं कि मंजिल मिल रही है, जो नहीं जानते वो अफसोस करते, ओहो इनके साथ क्या हो गया, बहुत तकलीफ होगी। इसलिए आप ये बात गौर कर लो और आइंदा आप खुद सोचना आपने कि किस किस्म के मुसाफिर हो। अलार्म लगा के जागना है तो फिर मुश्किल ही होगा, कभी कभी घड़ी ठीक है, कभी घड़ी ठीक नहीं है, और अगर उसकी मर्जी से जागना है तो खुद ही टाइम चलते जाएंगे, टाइम का मालिक है वो जब भी तज पड़ेगा शाम हो जानी है खुद खुद ही। ये बात है तो अब ये मुश्किल बात है, समझने वाली बात है, वो इधर रात नहीं है ना उधर तो रात है ना, जहां रात है वहां जाकर पड़ जाएगा तजर, कहीं ना कहीं टाइम है ना, कहते हो असर के वक्त, कहते मैं तजर पर जा रहा हूँ, किधर जा रही है असर का वक्त है, कहते मैं चलता हूँ वो जहां चला जाएगा जहां तजर के टाइम है, इसी जमीन में है ना, आसमान की बात नहीं कर रहा हूँ, आसमान से तो अल्लाह के बाबू से समझाएंगे ना, तो अल्लाह के बाबू के जो गुलाम है वो जमीन पे तो जाते जाते रहे होंगे ना, कहते वहां जाके पढ़ लेते हैं, कहते हैं बोलोगे मैं आप ही बात ही कर जान करना खबरदार। क्या कहते हैं लोग ऐसे कहते हैं कि अब हम तजर पर जा रहे हैं, बाबा आज चल रहा हो गया दोपहर को तजर पड़ता है, वो दोपहर को नहीं पड़ता था जन्म जाके तजर पड़ता है, वो जिस वक्त जो इच्छा नमाज पढ़ लेता है, क्योंकि उस इलाके में पढ़ लेता है और थोड़ी देर में मतलब मिजोर के इलाके में चला गया, असर के इलाके में चला गया, वो ईशा के वक्त बैठे सारी नमाज में करते रहते हैं लोग, ये खेल है, ये लोगों का खेल होता है, कहते वो जिसम के पूरे अलग कर लेते हैं फिर छोड़ लेते, ये सुनना कभी आपने, हाँ ऐसे करते रहते लोग, आप जो वो जानते हो तो काम सुनना ऐसा होगा, नामुमकिन नहीं है अल्लाह वालों के लिए, मुमकिन हो सकता है। क्योंकि फासले अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमानों में कहा कि फासले तय हो गए राजश्री में, और गुलामों को भी वक्त जमानों में कहा कि तय हो सकते, हो सकते मुमकिन है।